एक दोस्त आता है और दोस्ती करता है और दोस्ती में 15 लाख का ठगी करके फरार हो जाता है। यह मामला कुशीनगर जनपद के थाना नेबुआ नौरंगिया अंतर्गत ग्राम सभा खजुरिया सूरज नगर का है और सूरज नगर का ये आदिति कॉस्मेटिक का दुकान चलाते हैं। सुनील जायसवाल नाम है और सुनील का साथ जो हुआ है ये घटना कहीं ना कहीं बेहद ही शर्मनाक है कि एक दोस्त आता है और दोस्ती देखिए कैसे करता है। इनसे आते जाते दुकान से सामान लेते और उसके बाद से दोस्ती इस कदर बढ़ती है कि वो दोस्ती समझिए एक दूसरे के इतना ज़्यादा करीबी हो जाती है और उसमें 15 लाख तक की ठगी हो जाती है। चौकिए का रही यह खबर, मैं एक सप्ताह पहले आपको दिखाया था कि 15 लाख का ठगी जो हुआ है ये कहीं ना कहीं बेहद ही शर्मनाक ये जो घटना है ये सुनील जायसवाल के साथ हुआ है। मैं जानकारी लूँगा इनसे कि आखिर ये जो 15 लाख का ठगी हुआ है, मैंने आपको दिखाया था कि वो 15 लाख की ठगी में मुकदमा भी पंजीकृत होता है थाना नेबुआ नौरंगिया में। 4 अभियुक्त इसमें होते हैं और 4 अभियुक्त की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। आखिर पुलिस प्रशासन पे सवालिया निशान खड़ा होता है, आखिर कब गिरफ्तारी होगी और गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान पुलिस प्रशासन पे है। आखिर ये कब तक भटकते रहेंगे सुनील जायसवाल, जिनका गाड़ी कमाई जो है रात दिन इस पर दुकान पर मेहनत करते हैं, उसके बाद से इनका गाड़ी कमाई जो है कि एक फ्रॉड जो दोस्त बन करके आता है और इनको लूट करके चला जाता है, 15 लाख रुपए का ठगी कर देता है। आखिर ये कब तक भटकते रहेंगे, सवाल सबसे बड़ा कुशीनगर पुलिस के सामने है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैं इसके पहले भी दिखा चुका हूँ, दिखा दीजिए कि ये जो है इनका जो ट्रांजेक्शन है गूगल पे से किए हैं 4,2200, 15,000, 10,000, 10,000, 9,500, इधर दिखा दीजिए 20,000, 42,000, 50,000, इधर दिखाइए 1,00,000, 1,00,000, 1,00,000। अब जरा सोचिए कितना बड़ा रकम है, 20,000, 10,000, 18,000, 5,000, 5,000 और 12,000। और मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये देखिए 25,000, 30,000 और 2,000। इसमें दिखा दीजिए ये खाता बुक का ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है, ये खाता बुक से इन्होंने ट्रांसफ़र किया है, जो गूगल पे से ट्रांसफ़र किया वो गोला का निशान इन्होंने बनाया है और जो कैश दिया है उसको इन्होंने बनाया है। बाकायदा उसके मोबाइल पर मैसेज गया है और खाता बुक की ये हिस्ट्री है इनका, 14,82,150 यानी 15 लाख रुपये का ठगी हो गया है। आखिर पुलिस प्रशासन क्या कर रही है, अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, सबसे बड़ा सवाल पुलिस प्रशासन के ऊपर। अच्छा ये बताइए सुनील जी, आपको न्याय मिल गया कि नहीं मिला? सर अभी तक नहीं मिला है। क्या लगता है कि आपको ऐसे ही घुमाया जाएगा या न्याय मिलेगा? हो भी सकता है घुमाया जाए, अगर पुलिस अभी तक लगभग 10 दिन के समथिंग हो गया, अभी तक हमको नहीं लग रहा है कि वो एक भी मुजरिम पकड़े गए हैं। अभी तक कोई गिरफ्तारी में से कोई तो पकड़ा जाना चाहिए, अभी तक कोई नहीं पकड़ा गया है। जरा सोचिए, मैंने आपको एक सप्ताह पहले इनका मैं दर्द दिखाया था, आखिर 15 लाख रुपया जो कि इन्होंने कर्ज मांग करके कहीं से इकट्ठा किया था और उसको इस उम्मीद में दिया था कि शायद वो ज़मीन जो है कि इनके नाम हो जाएगी, यही था ना क्या मामला? जी सर हाँ, वो ज़मीन थोड़े थोड़े करके पैसा दिया था हमने उनको, लगभग 3-4 महीने लगा था इसको, जनवरी से इसमें डेट दिए हैं। ये पैसा कहाँ से इकट्ठा किए थे इतना? और दोस्तों से लिए हैं, कर्ज लिए हैं, IDFC बैंक का वहाँ पर स्टिकर लगा हुआ है, उसका कर्ज है, कमेटी चलाते हैं हम, 2 समूह चलता गांव में, वहाँ से 2 लाख रुपया कर्ज लिए हैं और दुकानदार लोगों से अगल बगल से लिए हैं और साथ में अपने रिश्तेदारों से भी लिए हैं कर्ज। जरा सोचिए, दोस्त इतना दोस्ती में गद्दारी करेगा तो कोई दोस्ती पर विश्वास करेगा? नहीं करेगा। कहीं ना कहीं ये कुशीनगर जनपद से मैं आपको आँख खोलने वाली ये खबर दिखा रहा हूँ कि आपकी आँखें खुल जाए और दोस्ती में ऐसा विश्वास आप कभी नहीं कर पाएंगे। शायद आपके भी दोस्त ऐसे होंगे जिन पर आप आंख बंद करके भरोसा करते होंगे और वो आपको छलनी करके चले जाएंगे और आपको ऐसे जो है लूट करके चले जाएंगे मिनटों सेकंडों में। उसके बाद ये पुलिस जो है इसमें जो है कि मुकदमा भी दर्ज करती है और मुकदमा यूँ कहा जाए तो एक देखी दिखाई
दिखाने के लिए मुकदमा दर्ज हो जाता है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस प्रशासन के ऊपर मैं बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता हूँ, क्योंकि ये जो पुलिस प्रशासन है आखिर कर क्या रही है। पुलिस प्रशासन से मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले इसमें गिरफ्तारी होनी चाहिए, तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो मुकदमा पंजीकृत हुआ है 323, 504, 506, 406 और 420 जो कि संगीन धाराओं में ये मुकदमा पंजीकृत हुआ है, और मुकदमा ये जो पंजीकृत हुआ है छोटा मोटा धारा नहीं है, इसमें गिरफ्तारी भी है 420 में, जो है कि तत्काल गिरफ्तारी का वारंट जारी हो जाता है। ये जो दोस्त है इनका, लुटेरा जो दोस्त है, ये दोस्त आखिर इनको कैसे चुतिया बनाता है और इसके बाद से निकल लेता है, और ये बेचारे करें तो क्या करें, ये शासन प्रशासन के पास जाते हैं और इनको समझिए एक ठुल्लू दिखाया जाता है, उसके बाद आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाया। आखिर सवाल किससे किया जाए, आनंद लेने के लिए चार्ज करें। चलिए ये थाने का मैं नंबर लगा रहा हूँ और मैं SHO साहब से बात करने का प्रयास कर रहा हूँ, आखिर इस मामले में क्या कार्रवाई हो रही है, आखिर अपराधी कब पकड़े जाएंगे। देखिए सुनिए, The number you are calling is out of network coverage area. ये थाना का भी नंबर देखिए, कोई इमरजेंसी में चाहे किसी से थाने वालों से बात करना चाहे तो बात नहीं हो पाती है, आउट ऑफ नेटवर्क के मतलब कवरेज क्षेत्र के बाहर है। अब जरा बताइए किनसे बात किया जाए, इस संबंध में किससे बात किया जाए, किससे जानकारी ली जाए। SHO साहब का नंबर है, CUG नंबर है, इस पर नंबर भी दिया हुआ है, मैंने सोचा कि प्रयास किया जाए, उनसे बात किया जाए इस संबंध में कि आखिर उनसे जानकारी लिया जाए। इस प्रकरण में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनको जान से मारने की धमकी भी मिली है और ये जो है पूरी तरीके से डरे सहमे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे जी? सर पहले तो हम दुकान लगभग सुबह हम 8 बजे से रात को लगभग 11 बजे तक हम दुकान चलाते थे, कहीं से पैसे के अभाव है, लेकिन अब जब से देवरिया वाला घटना हुआ है वो यादव और मिश्रा जी वाले में जो 4-5 लोग मारे गए हैं, तब से हमको और डर बन गया है कि वो हो सके तो जान से मारने की धमकी दिया, पैसा हड़पने के चक्कर में हमको भी मार दे, हमारे सिवा कोई है नहीं पैरवी करने वाला, तो हम दुकान 6 बजे ही बंद करके भाग जा रहे हैं। अब जरा बताइए देवरिया का कांड किसको याद नहीं होगा, देवरिया का जो कांड है वो कहीं ना कहीं दिल को झकझोर के रख दिया था, सबको हिला कर रख दिया था, जिसने भी सुना उसकी कलेजा फट सी गई थी। आखिर यह बेचारे कहाँ जाए, ये कह रहे हैं देवरिया कांड वाला जो घटना है वो हमारे साथ भी घट सकती है, कहीं ना कहीं हमको भी जान से मारने की धमकी मिल चुकी है, आखिर इन्होंने शासन प्रशासन से अपने जो है कि सुरक्षा की भी मांग की है, और इनकी सुरक्षा कब मिलेगी, ये दुकान जो है डर के मारे 5 बजे बंद करके और घर को चले जाते हैं, इनको कहीं ना कहीं डर बना हुआ है कि वो 15 लाख हड़पने के चक्कर में इनको किसी दिन जान से मार सकता है और इनके जान का खतरा है। आखिर सवाल किससे किया जाए, योगी जी तक इस वीडियो को पहुंचाइए और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि इनको न्याय मिल सके, और ये दुकानदार हैं दिखा दीजिए, छोटी मोटी दुकान चलाते हैं और इस दुकान से जमा पूंजी इकट्ठा किए थे और कुछ पैसे कर्ज ले करके जो है 15 लाख रुपये उस दोस्त को देते हैं, और वो दोस्त जो है इनका गद्दार बन जाता है, और वो दोस्त जो है कि देखिए गद्दारी करके कहा जाए कि एक तरीके से पीठ में छुरा घोपना, पीठ में छुरा घोपता है और निकल जाता है 15 लाख रुपये लेकर के, और ये दर दर भटक रहे हैं, अपने न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं, आखिर इनका न्याय कब मिलेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।